अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मोहम्मद हारून 394। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने घर कर लिया है और हर तरफ कोहराम मचा के रखा है और कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग मतलब इससे इन्फेक्टेड हैं। तो आज हम मैं इसी वाले से आपको बताना चाहता हूँ कि जो टोटल केसेज हैं कोरोना वायरस के वो हैं 7,89,861, मतलब 7,89,861 जो कोरोना वायरस के केसेस हैं। और जो कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हुई हैं, मतलब के जो डेथ्स हुई हैं, वो हैं 38,101, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी। और जो रिकवर हुई हैं वो हैं 1,66,733 जो लोग रिकवर हुए हैं। और जो केस अभी चल रहे हैं, एक्टिव केसेस हैं, वो हैं 5,85,027 इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, जिनमें से सीरियस जो और क्रिटिकल कंडीशन में हैं वो हैं 29,661। ठीक है, तो मतलब यही है, बात यही है कि मतलब मैं अभी आपको बात बताता हूँ कि जनवरी 22 और फरवरी 3 के दरमियान ये केस सामने आए। अभी मेरे पास ये सामने ग्राफ है। और फरवरी 15, 27 और मार्च 10, इससे जो है कोरोना वायरस इन डेट्स के दरमियान मतलब काफ़ी हाइट पे पहुंचा है। और मार्च 22 के बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब इसने मतलब तहलका एक मचा दी है अर्थ पे। जो डेथ्स हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मार्च 22 के बाद जो या मार्च 10 के बाद जो डेथ्स मतलब ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, जो और अगर टोटल केसेस के लिहाज से बात की जाए तो वो तो जनवरी 22 के बाद ही मतलब केस आना शुरू हो चुके थे। ये भी मैं लाइव देख रहा हूँ इधर, और ये मेरे पास आ गई है पूरी लिस्ट USA में हैं जी। जो टोटल केसेज हैं वो हैं 1,64,369। अभी जो न्यू केसेज आए हैं मतलब आजकल 515 न्यू केसेज हैं। जो डेथ हुई है वो है 3,173, ठीक है, और जो रिकवर हुई हैं वो हैं 5,507। अभी जो एक्टिव केसेज वहाँ पे चल रहे हैं वो हैं 1,55,679, ठीक है। और अगर हमारे की जाए एक मिनट पाकिस्तान की बात, तो यहाँ पे हैं 1,865 केसेज हैं पाकिस्तान में, और जो न्यू केसेज हैं वो है 148। जो टोटल डेथ हुई है वो है 25, और जो अभी अभी न्यू डेथ की मतलब कल या परसों या मतलब जो न्यूज़ आई है वो है 4, मतलब 4 डेथ्स हुई हैं। और अगर रिकवर की बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग रिकवर हुए हैं वो है 76। एक्टिव केसेज इस टाइम 1,764 जो केसेस हैं वो अभी एक्टिव हैं, और जो उनमें जो सीरियस हैं वो हैं 12 बंदे, मतलब उनकी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश के दरमियान है। और उसके अलावा जो है मतलब जो नंबर 1 पे है वो है USA। US में सबसे ज़्यादा केसेस हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इटली है, उसमें 1,01,739 केसेज हैं, जिनमें 11,591 लोगों की डेथ हुई है। और जो टॉप 5 कंट्री हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले पे USA, दूसरे पे इटली, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे चाइना, पांचवे पे जर्मनी, और चले 10 बता देता हूँ। ये मतलब आगे फ्रांस है, ईरान, यूके, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, ठीक है, ये जो हैं ये कंट्रीज जो हैं ये भी इन्फेक्टेड हैं। और अभी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप इस वीडियो को देखें और बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे बताएं, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, तो मैं न्यू वीडियो एक आपके लिए बना देता हूँ जिसमें ऑल कंट्रीज़ की जो भी है ना, जो एक ग्राफ है वो मैं आपको दिखाऊँगा, उसमें से आप ख़ुद मतलब अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, खुदा हाफिज़।